कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज की धरती पर संतों महात्माओं के साथ ही श्रद्धालुओं का सैलाब भी संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंच चुका है। सैकड़ों एकड़ के विस्तार में त्रिवेणी के तट पर सिर्फ हिंदू धर्म संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन का दौर भर नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म दर्शन की वो व्यापक परम्परा है जिसमें कण कण में रहस्य के कई अध्याय हैं। तो आज आपको दिखाएंगे संगम नगरी प्रयाग के किनारे उतरे गहरे रहस्य से जुड़ी कई कहानियां। कुंभ के दिन की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, पर आज आपको दिखाएंगे कुंभ की रात की तस्वीरें। अक्सर लोगों के मन में ये कौतूहल रहता है कि आखिर रात में कुंभ में मौजूद अखाड़ों में क्या खास होता है, किस तरह साधु संत योग साधनाओं और तप में वक्त गुजारते हैं, क्या है कुंभ की रात का रहस्य। ये तमाम वो सवाल है जिनके जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर राहुल मिश्रा पहुंचे कुंभ में। मौजूदा सनातन हिंदू परंपरा के कई अखाड़ों में यहां जो तस्वीरें मिली वो यकीनन बेहद ही दिलचस्प थी। रमते बाबा जगता धर्म। त्रिवेणी तट का रात्रि रहस्य। कैसे होती है रात्रि साधना। हम आपको दिखाते हैं अखाड़ों की रात। आखिर में रात में अखाड़े क्या करते हैं। रात में संतों से क्यों नहीं मिल सकते भक्त। धूनी के आगे संतों का भक्ति राग। त्रिवेणी के तट पर बसी दुनिया का अपना सम्मोहन है। कुंभ के मेले में लाखों श्रद्धालुओं साधु संतों की मौजूदगी में भी गजब की शांति है। सनातन हिंदू धर्म के आध्यात्मिक अध्याय का विस्तार है और आकर्षण। कुंभ के इलाके में रात के वक्त भी रंगत कम नहीं होती। चमकती दमकती लाइट्स के बीच कुंभ का पूरा इलाका रात के वक्त कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। लोगों की मौजूदगी से लेकर मेले की चहल पहल तक ऐसा लगता है जैसे यहाँ के तंबुओं में कहीं दुबक जाती है। लेकिन कुंभ अजगा होता है क्योंकि ऐसी गहरी रातें योग साधनाओं के लिए सबसे ज्यादा माकूल होती हैं। लेकिन क्या वाकई कुंभ में साधु तंत्र मंत्र और यौगिक साधनाओं की सिद्धि करते हैं। आज हम सबसे पहले जाते हैं जूना अखाड़ा, पंच दशनाम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा कहलाता है, जिसमें तकरीबन 4.5 लाख नागा साधु हैं। जूना अखाड़े के भीतर साधु संतों की अलग अलग टोलियां हमें मिलती हैं। धोनी के इर्द गिर्द बैठे ये संत चर्चाओं में व्यस्त दिखते हैं। अखाड़े के भीतर छोटे छोटे कई शिविर भी हैं। इन शिविरों में अखाड़े की व्यवस्थाएं संभाल रहे संत मौजूद हैं। शाम से रात तक अखाड़ों के भीतर संतों का रूटीन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ मौजूद एक संत से पूछते हैं। शाम को 6 बजे आरती होती है हमारी।
6 से 8 बजे तक आरती चलती है 2 घंटा। उसके बाद में हम ऐसे टोली बना के बैठते हैं, सब महात्मा अपने अपसरी में बात करते हैं। 9:30 बजे हमारा खाना आता है, 9:30 बजे खाना करके आधा घंटा हम फिर घूमते हैं। उसके बाद में घूमने के बाद में आधा घंटे बाद में फिर 10 बजे अपने अंदर चले जाते हैं, सब जगह अपने अपनी जगह बैठ के ध्यान साधना करते हैं। हल्के भोजन के बाद साधु संत और नागा साधु अपनी अपनी साधनाओं में जुटते हैं। इसमें यौगिक साधनाओं से लेकर आध्यात्मिक चिंतन तक शामिल होता है। खास बात यह होती है कि इस दौरान किसी के भी साधु संतों से मिलने पर पाबंदी होती है। माना जाए कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी आम भक्त या कोई भी महात्मा के पास में नहीं जाता है और कोई भी वहां पे नहीं पहुंचता है, उनसे बातचीत नहीं होती। नहीं होती। जब वो योग साधना में अपने योग साधना में बैठे, वो देख के चले जाते हैं। कोई पर्सनल भगत है, जैसे पर्सनल महात्मा है, अपना शिष्य है, वो आएगा देखने के लिए, महाराज जी बैठे हैं, तो वो वापस चला जाएगा, उनको आवाज नहीं लगाएगा, वो भक्ति भाव में तल्लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उनको कोई पता नहीं कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा। प्रयागराज शहर नींद के आगोश में जा रहा होता है तो कुंभ रहस्य की गहरी चादर ओढ़ लेता है। रहस्य से ज्यादा यहाँ धर्म और ईश्वर के सत्य को जानने की उत्सुकता है। कुंभ की अस्थाई बस्तियों में संतों के सत्संग के बीच कहीं चर्चाओं में तो कहीं सुरों में सत रहा है ईश्वरीय सत्य। आपको दिखाते हैं रात के वक्त जूना अखाड़े में कैसे ऋषि मुनि तपस्वी सभी बैठ करके और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आग जल रही है। कुंभ क्षेत्र में साधु संतों की टोलियां रात के वक्त धर्म चर्चाओं या फिर आध्यात्मिक चर्चाओं में डूब जाती हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है इन चर्चाओं का दौर मध्यम पड़ने लगता है। धीरे धीरे साधु संत अपने शिविरों का रुख करते हैं, लेकिन कुंभ के इस विस्तृत इलाके में कई ऐसे ठौर ठिकाने भी हैं, जहां शीत लहरी में लिपटी हवा भक्ति के सुरों से गर्म होती है और पिघलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुंभ की रातों में संतों की साधनाएं चलती हैं। अंधेरी रातों में जब लोग गहरी नींद के आगोश में होते हैं तो साधु संत आध्यात्म की चरम सीमा में उतरते हैं। दरअसल शाम होते ही सबसे पहले धर्म ध्वजा और इष्ट देव की पूजा होती है और इसके बाद संतों के बीच धर्म चर्चाओं का सिलसिला चल निकलता है और इस सबके बीच आस्था के वैचारिक कुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम भी जारी रहता है। और क्या कुछ होता है कुंभ की रात्रि में ये भी देखिए।